स्वर्णिम पद पर विचरण करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, युगो युगो से मानव मन में जिज्ञासा रही है जानने की, मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, अंतःकरण हूं, या इससे भी परे कुछ ऐसा चिन्मय तत्व हूं जिसको मैं अभी तक जान नहीं पाया। मैं आया कहां से हूं? मेरी आत्मा का मूल घर कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का विधान क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा जिसने इस अनंत सृष्टि की रचना की है कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने का विधान क्या है? अध्यात्म के अंदर इन्हीं तत्वों पर विचार किया जाता है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्म तत्व के प्रति गमन। अब एक जिज्ञासा होती है कि इसको हम कैसे जाने, क्या बुद्धि का प्रयोग उचित है या अनुचित। एक बात ध्यान में रखिए, जो अतिंद्रिय तत्व, अतिंद्रिय तत्व किसको कहते हैं, जो इंद्रियों से परे है, आत्मा और परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, लेकिन बुद्धि से जानने की भूमिका तैयार होती है। जैसे मौसमी का फल है, संतरे का फल है, अब ऊपर का छिलका उतार देंगे तो अंदर जो खाने वाला पदार्थ है वो सड़ जाएगा। छिलका ही खाने वाले पदार्थ की रक्षा करता है, छिलके को खाया नहीं जाएगा लेकिन उसके बिना काम भी नहीं चलता। उसी तरह से यदि बुद्धि का प्रयोग नहीं होगा तो धर्म ग्रंथों से या सुने हुए सत्संग से सत्य सत्य का निर्णय करना संभव नहीं होगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। आज मत मतांतरों की चकाचौंध में, खींचातान में सत्य छिप जाता है। इसी कारण, क्योंकि बुद्धि का वास्तविक प्रयोग नहीं होता, हर व्यक्ति समाधिस्थ नहीं होता। समाधिस्थ होकर प्रत्येक सत्य का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए बुद्धि तो सबके पास है लेकिन बुद्धि के कई रूप हो। हमें जो बुद्धि मिली है उसका 10% से अधिक उपयोग करने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। वर्तमान समय में संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो 10% से अपनी बुद्धि का उपयोग करने का दावा रखता हो। मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे कोष हैं, यदि सभी विकसित हो जाए तो मनुष्य विश्व के सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर सकता है। इतनी बुद्धि का कमाल है। आज देखिए, ये बुद्धि का ही तो बल है। मनुष्य ने असंभव से असंभव दिखने वाले आविष्कार किए हैं। हम एक पल में कहाँ से कहाँ का दृश्य देख सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहाँ जा सकते हैं। पहले कभी बैलगाड़ी पर चलते थे तो इसका अर्थ ये नहीं था कि मनुष्य मूर्ख था। मनुष्य बुद्धिमान तब भी था लेकिन उसकी बुद्धि का प्रयोग दूसरी दिशा में होता था। अब बुद्धि जो तत्व है, जैसे जमीन से हीरा निकाला जाता है तो हीरे को निकाल कर तुरंत बेचा नहीं जा सकता। हीरे को चमकाया जाता है, पॉलिश की जाती है, कटिंग की जाती है। उसी तरह से धारणा, ध्यान, समाधि की प्रक्रियाओं से जब बुद्धि का परिमार्जन किया जाता है, सत्संग से, स्वाध्याय से, प्राणायाम से, ब्रह्मचर्य आदि तपों से, तो बुद्धि परिष्कृत होकर मेधा के रूप में निकलती है। उसको और परिमार्जित करते हैं तो प्रतिभा के रूप में निकलती है। प्रतिभा को और परिमार्जित किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। जैसे लोहा, कच्चा लोहा निकलता है, उसको शुद्ध करेंगे तो लोहा बनेगा, लोहा से और शुद्ध बनेगा, फिर पक्का स्टील बनता है। वैसे ही बुद्धि का जब परिमार्जन करते करते हम मेधा और प्रतिभा से भी आगे बढ़ते हैं तो उसका रूप प्रज्ञा के रूप में आता है, रितंबरा प्रज्ञा। रितंबरा प्रज्ञा कैसे प्राप्त होती है कि संप्रज्ञात समाधि जो कर लेते हैं, संप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था में पहुंच जाते हैं, केवल उनके पास रितंबरा प्रज्ञा होती है। और वो व्यक्ति जो भी कहेगा सत्य कहेगा क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से परे है। एक विद्वान के कथन में और एक ऋषि के कथन में क्या अंतर होता है? विद्वानों के कथन में विरोधाभास हो जाता है क्योंकि वो सामान्य बुद्धि से ग्रंथों का अध्ययन करके कह सकते हैं, किंतु एक ऋषि, एक दार्शनिक समाधि अवस्था में डूब कर अपनी रितंबरा प्रज्ञा से सत्य को जानता है कि यही बात सत्य है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक सत्य को सिद्ध करने के लिए उसको हजारों प्रयोग करने पड़ते हैं। जब उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान का प्रकाश होता है तो वो जान जाता है कि यही परम सत्य है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ क्या है? रितंबरा प्रज्ञा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सामान्य बुद्धि से कुछ कहता है तो संभावना है कि उसमें मिथ्यात्व अवश्य हो सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में
परमात्मा की कृपा से वेद का प्रकटन हुआ 1,96,08,53,123 वर्ष पहले, और वेद के आधार पर दर्शन शास्त्रों की रचना हुई, अंगों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई और अन्य ग्रंथों की रचना हुई। मध्यकाल में संत वाणियों का प्रकटन हुआ। ये संत वेद शास्त्र तो पढ़े नहीं थे, किंतु वेद के रहस्यों को अपनी समाधिस्थ बुद्धि से जानने का उन्होंने प्रयास किया था और उनमें सफलता मिली थी। कबीर जी ने कहा है कि वेद शास्त्र को किन झूठा झूठा जो न विचारे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा था। उन्होंने एक जगह कहा, पाणे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूं आखन देखी तू कहीं पोथी देखी। कबीर जी के कहने का आशय क्या है? जिस सत्य को तुम पढ़कर बता रहे हो, मैंने उस सत्य को देखा है, तुमने पढ़ा भर है, तुमने उस सत्य को जाना नहीं है। अध्यात्म रूढ़िवादी नहीं बनाता, अध्यात्म कर्मकांडी नहीं बनाता, अध्यात्म कट्टरवादी भी नहीं बनाता। अध्यात्म तो ये कहता है कि अपने ज्ञान की झोली को हमेशा खोले रखिए, स्वयं को ज्ञान के सागर की एक बूंद मानिए, जहाँ से सत्य प्राप्त होता है उस सत्य को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, बुद्धि के तराजू पर तोलने का प्रयास कीजिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ध्यान में बैठकर उस सत्य को जानिए, रितंबरा प्रज्ञा प्राप्त कर समझिए कि यह सिद्धांत सत्य है या नहीं। पुनः जब निर्विस समाधि में जाएंगे तो सत्य का पूर्णतया साक्षात्कार होगा। अब मैं एक तथ्य पर जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज में विकृतियाँ क्यों फैल जाती हैं। विकृतियाँ इसलिए फैल जाती हैं जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तो अंध परंपराएं विकसित हो जाती है और अंध परंपराओं में सत्य छिप सा जाता है और असत्य का इतना बोलबाला हो जाता है कि लगता है कि यही सत्य है। जैसे एक घटनाक्रम मैं दिखाता हूँ, आप जितने भी चित्र देखे होंगे उसमें एक चित्र दिखाया जाता है भगवान विष्णु का या शेष साई नारायण को शेष नाग की सैया पर लेटे हुए दिखाया जाता है। और भागवत में भी यही बात कही गई है कि जब भगवान नारायण शेष नाग की सैया बनाकर लेटे हुए थे तो उस समय ब्रह्मा जी का उनके नाभि कमल से प्रकटन होता है। अब सोचिए ये कथन अलंकारिक है। शेष किसको कहते हैं? शून्य को। शून्य किसको कहते हैं? निराकार को। निराकार किसको कहते हैं? मोह को। जगत मोहात्मकम प्राहु अव्यक्तात् व्यक्त संजिकम। जब पांच तत्व बने ही नहीं थे तो सर्प कहां से आ गया, शेष नाग कहां से पैदा हो गया। यह नाग शब्द किसी ने जोड़ दिया है, यह नाग नहीं है। शेष अनंत शून्य को कहते हैं, अनंत कारण प्रकृति को कहते हैं, उसी को मोह सागर कहते हैं। उस मोह सागर में जो अयन अर्थात निवास बनाकर शयन कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? नारायण। नाभि से, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ये कथन भी अलंकारिक है। नाभि कमल क्या है? नाभि केंद्र को कहते हैं। जो ये भी एक अलंकारिक वर्णन है कि किस तरह से विराट पुरुष जो सृष्टिकर्ता नारायण है उनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा आदि ऋषियों का प्रकटन होता है। जैसे पौराणिक बंधु क्या कहते हैं कि शेष नाग, पूछा जाए कि जब सृष्टि बनी ही नहीं थी तो शेष नाग किस पर थे, जब समुद्र किस पर टिका था, क्या कह देंगे कि वो कछुए ने शेष नाग को अपने ऊपर धारण कर रखा है। पूछा जाए कछुआ किस पर टिका है तो क्या उत्तर देंगे, बैल किस पर, बैल की सिंह पर टिका है। बैल किस पर टिके हैं, चुप, क्या उत्तर देंगे, क्योंकि यथार्थ बुद्धि से इसका विवेचन नहीं किया गया। कछुआ क्या है, ये अलंकारिक वर्णन है। ये जो मोह सागर है उसी को कारण प्रकृति कहा गया है, उसको कोई पार नहीं कर पाता है और उसी मोह सागर से इस सृष्टि का प्रकटन होता है, इसलिए उसको कछुआ सी माती गई है। और जो सृष्टि बनी है मोह सागर से वो किस पर टिकी हुई है, धर्म रूपी बैल पर। धर्म ही सृष्टि को धारण कर रहा है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म छतरी के समान उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का विध्वंस करता है धर्म काल दंड के समान उसका विनाश कर देता है। तो यही समझना चाहिए कि बैल रूपी धर्म समस्त सृष्टि की रक्षा करता है, सृष्टि को धारण करता है। इस सृष्टि का जो कारण रूप पदार्थ है वो कारण प्रकृति है, जिसको कछुए की उपमा दी गई है, और शून्य निराकार मोह सागर में शयन करने के कारण उसको शेषाई नारायण कहते हैं। दूसरी एक कल्पनिकता आ गई है, आजकल गायत्री मंत्र का बहुत प्रचार तो है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता कि गायत्री मंत्र में कहा क्या गया है। जन साधारण को भ्रम हो गया है कि गायत्री कोई माता है, कोई देवी है। वास्तविकता क्या है? एक छंद है, छंदसाम गायत्री। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं छंदों में गायत्री हूँ। देखिए वेद में 7 छंद होते हैं, हर छंद के 8-8 भेद होते हैं जिनको विछंद कहते हैं, और प्रत्येक विछंद के पुनः 7-7 भेद होते हैं जिनको अतिछंद कहते हैं। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, वृत्ति छंद में 36 अक्षर होते हैं, जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं, और गायत्री छंद से और छोटे भी अक्षर भी होते हैं, अक्षरों वाले छंद होते हैं। चारों वेदों में, ऋग्वेद में 1 बार, यजुर्वेद में 4 बार, और सामवेद में 1 बार गायत्री मंत्र का प्रयोग हुआ है। किंतु गायत्री मंत्र के गायत्री मंत्र जो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, केवल उसमें ही गायत्री छंद में लिखा है, से सभी जगह निचृत गायत्री छंद में लिखा है, उसमें बोर स्व नहीं है। तो 24 अक्षरों के न होने से गायत्री मंत्र जो पूर्ण गायत्री मंत्र का जिसको कहा जाएगा केवल 1 बार आएगा, 36वें अध्याय का 3रा मंत्र। लोगों में धारणा क्या है कि गायत्री वेदों की मानता है। आप सोचिए, चारों वेदों में यदि गायत्री मंत्र, यदि वेद में गायत्री मंत्र आता है तो वेद जननी हुई मंत्र की, न कि मंत्र ने गायत्री मंत्र को पैदा किया। हाँ, परमात्मा की जो 2 शक्तियां हैं, एक ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति से वेद का प्रकटन हुआ है, यह बात ठीक है। उस ज्ञान शक्ति को माता कहेंगे तो ठीक है, लेकिन वेद माता गायत्री, गायत्री को वेद माता कहेंगे ये गलत है। वेद को आप माता कहिए तो भी सही है, पिता कहिए तो भी सही है। अस्तुता वरदा वेद माता प्रचोद्यंताओं पाऊमानी दिजाना सही है। वेद माता का अर्थ क्या है? ज्ञान की माता। ज्ञान की माता क्या है? परमात्मा की ज्ञान शक्ति, न कि गायत्री शक्ति। गायत्री तो छंद है, उस छंद में क्या कहा गया है? भूर्भुवः स्वः, तीनों शब्दों का सामूहिक अर्थ होता है सतचित अनंत। भू सत्यम से भू का अर्थ होता है सत, भू का अर्थ होता है चित, और स्व का अर्थ होता है अनंत। तत् उस सवितु सृष्टिकर्ता परमात्मा जो सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, वरेण्यम वरण करने योग्य, ध्यान करने योग्य, एकमात्र परमात्मा ही वरण करने योग्य है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपास नहीं है। यह वेद का डिंडिम घोष के साथ निर्देश है कि उपास्य कौन होगा? केवल सच्चिदानंद परमात्मा, इसलिए उसको वरेण्यम कहा गया है। भर्गा किसको कहते हैं? जो परमात्मा का तेजोमय स्वरूप है। देखिए एक एक मंत्र में कितने गहरे रहस्य डाले गए हैं। ऋषियों ने ऐसे ही केवल व्याकरण के आधार पर अर्थ नहीं कर दिया, व्याकरण तो बाद में बना। ऋषियों ने समाधि अवस्था में बैठकर वेदों के अर्थ को साक्षात्कार किया, इसलिए तो उनको ऋषि कहा जाता है। ऋषि और विद्वान में अंतर होता है। विद्वान लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ सकता है, याद कर सकता है, ऋषि सत्य को देखता है, इसलिए कहते हैं ऋषियों मंत्र दृष्टारा। भर्गा कहते हैं जो प्रकृति से परे अत्यंत शुद्ध स्वरूप है, जो सत्य और रजतम की परिधि में नहीं आता, जो त्रिगुणातीत स्वरूप है, जिसको अरबी भाषा में नूर शब्द से संबोधित किया जाता है, जिसको वेद में आदित्य वर्ण कहा गया है, उसको कहते हैं शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च शुक्रम च रित्या च, उसको भर्गा कहा गया है। भर्गा अर्थात अत्यंत जो तेजोमयी स्वरूप है, उसको हम धीमय धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें, यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। अब बताइए इसमें किस देवी की स्तुति है? कहीं नहीं लिखा है कि वो हंस वाहन हंस पर बैठी हुई हैं, इतनी भुजाएं हैं, हमने नारी के रूप में उसको चित्रित किया है। ये तो हमारी भावना है। पौराणिक मान्यताओं में गायत्री को एक देवी बना दिया गया, एक शक्ति बना दिया गया, जबकि सच ये नहीं है। देवी
का अर्थ हम व्याकरण के आधार पर ब्रह्म कर सकते हैं, लेकिन गायत्री एक देवी है और अन्य देवियों की तरह देवी है, तो प्रश्न ये होता है कि मंत्र तो कुछ और कह रहा है। मंत्र क्या कह रहा है कि जो सत्चित आनंद स्वरूप समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले प्रकाशकों का भी, सूर्य आदि प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, अत्यधिक तेजोमय स्वरूप प्रकृति से परे शुद्ध स्वरूप वाले उस परमात्मा के स्वरूप को हम धारण करें, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करें। इस मंत्र में अलौकिक प्रार्थना की गई है, इसलिए प्रत्येक ऋषि मुनि ने इसको दीक्षा मंत्र के रूप में माना। इस मंत्र से परमात्मा की स्तुति की। गायत्री छंद में होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कहा जाने लगा। इसको सविता मंत्र भी कहते हैं, सावित्री मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि सविता और सावित्री दोनों शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त होते हैं। सविता कहते हैं सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, और सावित्री किसको कहते हैं, जो परमात्मा की शक्ति है उसको सावित्री कहते हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों का स्वरूप ये है, इसलिए उस सत्य को दर्शाने के लिए उसको गायत्री मंत्र कहेंगे। गायत्री छंद में लिखे होने के कारण पुरुषवाचक अर्थ लिखेंगे तो सविता मंत्र कहेंगे, स्त्रीवाचक अर्थ में मानेंगे तो सावित्री मंत्र कहेंगे। भाव को न समझने के कारण किसी ने समझा कि सावित्री और गायत्री को देवी बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया। अभी आने वाला है चैत का महीना, एक नवरात्र तो बीत गया, एक नवरात्र आने वाला है। न जाने कितने पशुओं को काली के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में सब काट काट कर लोग खा जाएंगे, कहीं कुछ किया जाएगा। नेपाल में एक मंदिर है गढ़ी माई का मंदिर, वहां लाखों की संख्या में भैंसों को काट दिया जाता है। यह क्यों होता है? क्योंकि देवी के स्वरूप को न जानने के कारण। पौराणिक मान्यताओं में भी जाएं तो देखें तो क्या कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु जीव रूपेण संस्था नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में जीव के रूप में स्थित है उसको प्रणाम है। यदि देवी को आप जगत माता कहते हैं और कहते हैं कि वही जगत माता सभी प्राणियों के अंदर जीव के रूप में स्थित है, तो बेचारे बकरों को और ये भोले भाले भैंसों को उन्होंने क्यों काटते हो, क्यों, क्या बिगाड़ा है? आप सोचिए दुर्गा का अर्थ क्या है। जैसे एक पौराणिक कथा है जो स्कंद पुराण में लिखी है, एक असुर था महिषासुर, अत्याचार से सारे देवता त्रस्त हो जाते हैं। देवताओं की एक सभा होती है कि इससे बचने का क्या उपाय है। जब देवता सभी विचार कर रहे थे तो उनके शरीर सबके शरीर से एक तेज निकला और उस तेज ने एक नारी का रूप धारण कर लिया। उस नारी को सबने अपना अस्त्र शस्त्र दिया, पार्वती जी ने अपना वाहन दे दिया सिंह, शंकर जी ने अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने अपना पास दिया, विष्णु भगवान ने अपना चक्र दिया, धनुष दिया, और उस पर सवार होकर उस देवी ने महिषासुर राक्षस का वध कर दिया। यह कहानी है। अब कोई और उसकी 8 भुजाएं थी, कोई कहते हैं 10 भुजाएं थी। अब सोचिए और आगे कहानी क्या चलती है। उन्हीं से काली की उत्पत्ति होती है। दुर्गा जी को तो कम पशु चढ़ाए जाते हैं, काली माता को ज्यादा चढ़ाए जाते हैं। क्यों चढ़ाए जाते हैं उसकी विवेचना आगे करेंगे। वह देवी दुर्गा माता महिषासुर राक्षस का वध कर देती है। अब सोचिए इसका अर्थ क्या है। दुर्गा जी को 10 भुजाओं में दर्शाया गया है। 10 भुजाओं का अर्थ क्या है? हमारी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों का राजा मन है। जो 10 इंद्रियों के राजा मन को जीत सकता है वो मन रूपी सिंह पर बैठकर समस्त जीव अज्ञानता को जीत सकता है, जगत को जीत सकता है। महिष कहते हैं भैंसे को, भैंसे का अर्थ, भैंसा क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता में भैंसे को मृत्यु का देवता कहा, ये यमराज की सवारी कहा गया है। मृत्यु किस पर सवार होती है? भैंसे पर। भैंसा क्या है? कालापन और अज्ञानता के अंधकार का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम सत्वम गच्छन्ति, मध्य रजो विशाला, सांख्य दर्शन में कहा गया ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो सतोगुणी होते हैं उन्नत के मार्ग पर चलते हैं, रजोगुणी मनुष्य होते हैं बीच में रहते हैं, तमो विशाला मूलता, और तमोगुणी होते हैं हमेशा पतन की तरफ जाते हैं।
उद्धम सत्वस्था मध्य तिष्ठन्त राजसा जगन निगुण वृत्ति तो अधो गच्छन्त तामसा। जो तमोगुणी होते हैं वो पतन की तरफ जाते हैं। इसलिए जो अज्ञान रूपी राक्षस है, महिषासुर है, उसको किसने वध किया? दुर्गा ने। और कहाँ से प्रकट हुई? सभी देवताओं के शरीर से निकली, देवियों के शरीर से निकली। हर मनुष्य के अंदर दो प्रकार की शक्तियां हैं, अज्ञानता की शक्ति और ज्ञान की शक्ति, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति। आपके अंदर देवता भी बैठा है, आपके अंदर असुर भी बैठा है। आप मनुष्य का जो आकार लिए हैं, यदि आपके अंदर सत्वगुण का प्रकटन हो गया तो आप क्या बन जाएंगे? ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त होकर आप देवता बन जाएंगे। यदि आपके अंदर तमोगुण प्रकट हो गया तो काम क्रोध मद लोभ अहंकार की अग्नि में जलकर आप राक्षस बन जाएंगे। आप मध्य अवस्था में रहते हैं तो आप मनुष्य कहलाते हैं। यही है, अज्ञान रूपी महिषासुर को मारा किसने? सभी आपके अंदर की निकली हुई उस दैवी शक्ति ने, जिसने आपके मन को विजित कर लिया और सिंह रूपी मन रूपी सिंह पर बैठकर अज्ञान के राक्षस को समाप्त कर दिया। जो मन रूपी राक्षस पर, जो मन रूपी सिंह पर सवार हो ही नहीं सकता, मन को जीत नहीं सकता, वह पूर्ण ज्ञानवान कभी नहीं बन सकता। इस ऊंचे दार्शनिक तत्व को एक अलंकारिक माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे पुराण में एक कथा आती है, देखिए पौराणिक आख्यायिकाओं की सही व्याख्या न होने से हिंदू समाज भ्रम का शिकार हो गया और ऐसी रूढ़िवादी अज्ञानमयी भ्रांतियां चल गई जिससे समाज का बहुत क्षय हो रहा है। वर्णन आता है कि एक राक्षस था रक्तबीज। दुर्गा जी राक्षसों का जब संहार कर रही थी तो रक्तबीज राक्षस के शरीर से एक भी बूंद गिर जाती थी तो कई राक्षस पैदा हो जाते थे। इसलिए दुर्गा जी परेशान हो गई कि मैं जितनी बार इसको मारती हूँ उतनी बार ये नए राक्षस पैदा हो जाता है। अंत में उनके शरीर से एक आभा निकलती है, उनकी विभूति प्रकट होती है और काली का रूप धारण कर लेती है, जिसके हाथ में खप्पर हैं, तलवार लिए हुए, जीभ निकाली हुए, और रक्तबीज राक्षस की गर्दन काटकर उसका रक्त पी जाती है, क्योंकि जमीन पर गिरने देना नहीं था। जमीन पर गिरते ही पुनः रक्तबीज जिंदा हो जाता। अब ये अलंकारिक वर्णन है, भाव तो बहुत गहरा है लेकिन उसका उल्टा अर्थ लगाने के कारण आज हिंदू समाज काली के मंदिरों में ले जाकर बकरे को इस तरह से काटता है कि स्वयं रामकृष्ण परमहंस भी जिस काली मंदिर में पूजा करते थे वहाँ भी बलि प्रथा को रोक नहीं पाए थे, न विवेकानंद रोक पाए थे। तो आप सोचिए, ये महान पुरुष भी इसको प्रथा को रोक नहीं पाए थे तो शेष सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? काली ने रक्तबीज का रक्त पान कर लिया, अर्थात क्या है इसका आशय? रक्तबीज क्या है? रक्तबीज ही वासना का बीज है। मनुष्य के अंदर जो चित्त में वासनाओं का बीज होता है, वासना किसको कहते हैं? संसार के सुख की वासना। यही वासना मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनती है। और ज्ञान रूपी काली की शक्ति उस रक्तबीज को, उस रक्त को जमीन पर गिरने ही न दे, अर्थात जिसके पास ज्ञान हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं कि ग्रंथों को पढ़ लिया, शुद्ध ज्ञान उसको जिसने ध्यान अवस्था में सत्य को जाना जान लिया है। इसलिए वेदांत का सूत्र क्या कहता है? रीते जानात न मुक्ति। जब तक परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक ध्यान से वासनाओं से निवृत्ति होती है और जीव निर्विकार होकर शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करता है। अब काली रूपी ज्ञान की शक्ति ने रक्तबीज को पैदा ही नहीं होने दिया, उसको निकल गई। इसको एक छोटी सी घटना के दृष्टांत से समझाता हूँ। एक बार भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे वन में तप करने गए। तप करते करते एक दिन देखा कि एक दिन शेर दहाड़ता है और शेर की दहाड़ के कारण एक हिरणी नदी में छलांग लगा देती है। भरत जो चक्रवर्ती सम्राट थे कुटिया बनाकर नदी के उस पार साधना किया करते थे। उन्होंने देखा कि ये हिरणी अब बह करके आ गई है किनारे पर। उन्होंने निकाला, हिरणी ने किनारे पर आकर दम तोड़ दिया लेकिन उसके पेट से एक बच्चा निकल गया। भरत उस बच्चे को अपनी कुटिया में लाते हैं, पालन पोषण करने लगते हैं। उनको बच्चे से बहुत ममता हो जाती है, उनका सारा ध्यान उस बच्चे की देख रेख में लगे रहता है और बच्चा भी
उनको अपना सब कुछ मानता है, क्योंकि देखा है कि मेरी माँ तो कोई है नहीं। धीरे धीरे ऋषि की साधना कम होने लगती है भरत मुनि की, और उनका सारा ध्यान बच्चे में लगा रहता है। मरते समय भी उनको चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब इस हिरण के बच्चे की देखभाल कौन करेगा। उनका ध्यान परमात्मा पर नहीं था, वासना बच्चे में केंद्रित हो गई हिरण के बच्चे में, तो अगली योनि में उनको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ा। बाद में ऋषियों की जान से उन्हें पुनः मनुष्य की योनि मिल गई, तो कहने आज का आशय क्या है। एक चक्रवर्ती सम्राट जो सोने के महल में रहता हो और सब कुछ ठुकरा कर वन में गया हो, घोर तप कर रहा हो, लेकिन हिरण के बच्चे में आसक्ति के कारण उसको हिरण की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य विषयों की वासना लेकर के जीता है, वो 84 लाख योनि में भटकने के लिए विवश होता है। ज्ञान रूपी काले की तलवार उसको यदि नष्ट कर देती है, तो वासना का बीज नष्ट होने से, जैसे कहते हैं ना योग दर्शन का सिद्धांत है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से परे हो जाता है। ये अलंकारिक भाव है जिसको न समझने के कारण, क्योंकि निष्पक्ष सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि का प्रयोग न होने से विकृत मान्यताएं प्रचलित हो गई। सत्य का प्रकाश न होने से एक उल्टी व्याख्या हो गई कि काली माता को खुश करना है तो बकरे चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये विकृतियां हैं। मैं यही कह रहा कि ये अलंकारिक वर्णन है जिसको मैंने संक्षिप्त रूप से दर्शाया कि विष्णु भगवान का क्या अर्थ है, दुर्गा जी का क्या अर्थ है। अब हम चलते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है। देखिए, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को न बुद्धि से जाना जा सकता है, न मन से जाना सकता है, न ऐसा तर्केण अपानेया, तर्क से भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन और बुद्धि एक प्राकृतिक द्रव्य है। प्रकृति के संसाधनों से चेतन आत्मा को, चेतन परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। समाधि अवस्था में जब बुद्धि भी कोई कार्य न करे, मन न कार्य करे, तब उस सत्य को देखा जा सकता है। जैसे तो अभी मैंने कहा, कोई किसी का उपासक है, कोई किसी का उपासक है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण एक बहुत ऊंची बात कहते हैं, लेकिन आज का हिंदू समाज कहेगा हम कृष्ण जी को मानेंगे, कृष्ण के कथन को नहीं मानेंगे। कृष्ण जी ने क्या कहा, पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया, अनन्यया, अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति से वह परम पुरुष जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं, वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम है उसको प्राप्त किया जाता है। अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति क्या है, केवल एक ही परमात्मा पर आस्था होना। परमात्मा दो तीन चार नहीं है। वेद से पूछिए, वेद क्या कहेंगे, एको देवो भुवनस्य राजा, समस्त जगत का परमात्मा केवल एक है। गीता क्या कहेगी, तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन, हे अर्जुन तू अनन्य भाव से उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी आराधना न कर। आराधना और पूजा में बहुत अंतर होता है। पूजा किसकी होती है, देवता की होती है, देवी की होती है। भक्ति किसकी होती है, परमात्मा की होती है। तो आज सच्चे देवता की पूजा नहीं होती। मेरी बात कड़वी लग रही होगी, देवता किसको कहते हैं, मातृदेव भव, क्या आप माता के चरण छूते हैं, नहीं। पितृदेव भव, पिता का सम्मान करते हैं, नहीं। आचार्य का सम्मान नहीं करते। मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देव भव, आचार्य देवता, आचार्य देव भव, आचार्य की पूजा, सत पूजा करते क्या होता है, सत्कार। ये नहीं कि पुष्पम समर्पयामि, भोजनम समर्पयामि, ये कोई पूजा नहीं है। आप हृदय से जो चेतन देवता है जिसने आपको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, ज्ञान दिया है, अतिथि के रूप में आपको ज्ञान की वर्षा करता है, उस सन्यासी का, विद्वान का, आचार्य का, माता पिता का सम्मान कीजिए। इसको कहते हैं देव पूजा। जो महापुरुष है उनके गुणों का सम्मान कीजिए। योगेश्वर श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, हनुमान की, शिव की, ये हमारे सृष्टि के महानतम व्यक्तित्व हैं जिनमें धर्म का प्रवाह है। इनके गुणों का सम्मान करेंगे, इनके गुणों की पूजा करेंगे, तो यही है दिव्य गुणों वाले महापुरुषों की पूजा देव पूजा कहलाती है। लेकिन आज का हिंदू समाज कहेगा कि नहीं, हमें जो अच्छा लगेगा हम करेंगे। आप तो जानते ही हैं कि नहीं, देवता, देवता तो क्या भगवान हो गए, साईं बाबा की पूजा हो गई। साईं बाबा का नाम तो किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा है,
साईं शब्द भी किसी संस्कृत का है ही नहीं, लेकिन आश्चर्य है कि साईं के नाम से गायत्री मंत्र भी बन गया, जबकि ये विकृत शब्द है। साईं शब्द संस्कृत का है ही नहीं, इसलिए किसी भी कीमत पर इस नाम से मंत्र बन ही नहीं सकता है। किंतु जानते हैं कपिल जी ने कहा है कि जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो संसार में अंध परंपराएं चल पड़ती हैं। अब जो परमात्मा है वह तो एक है, और प्राप्त कैसे होगा? अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से। मेरे दाईं तरफ बहने माताएं बैठी हैं, ये अच्छी तरह से जानती हैं कि पतिव्रता धर्म का महत्व क्या होता है। आपका पति आप कुछ भी लाखों करोड़ों रुपए नुकसान कर देंगे लेकिन उसके प्रति निष्ठा रखेंगे तो कभी आपका परित्याग नहीं करेगा, लेकिन पति के प्रति प्रेम में दरार आ जाए, वह स्थान किसी और को दे दें, तो उसी दिन से पति पत्नी के बीच में अमिट रेखा खींच जाती है। जिस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त करना है उसके लिए क्या चाहिए? प्रकृति से परे हुए बिना संसार के हम जो भी संबंध रखते हैं वो तो राग द्वेष के अंतर्गत आते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा से अटूट प्रेम किए बिना उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है? इसलिए कहा पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसके अतिरिक्त अन्य कोई ना हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई गायत्री मंत्र का जप करता है तो क्या कहेगा? मेरी गायत्री माता सबसे बड़ी है, मैं विष्णु भगवान की पूजा क्यों करूं? उस बेचारे को ये पता नहीं कि गायत्री छंद में जिस सच्चिदानंद परमात्मा की आराधना की गई है उसी सच्चिदानंद परमात्मा को वेद में विष्णु शब्द से कहा गया। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक हो, जो संपूर्ण प्रकृति मंडल के अंदर हो, प्रकृति से परे चतुष्पाद विभूति में हो, चतुष्पाद विभूति से परे अनंत परम धाम, जिसको वेद ने कहा यत्र ज्योति अजस्मिन यस्मिन लोके स्वहितम तस्मिन माधि पावन अमृत लोके अचित इंद्रा इंद्रो परिसो, जहाँ अनंत आनंद है, अनंत प्रेम है, अनंत शांति है, हे परमात्मा मुझे वहां ले चल। अभी दुर्गा और काली का मैंने अर्थ बताया, यही अर्थ शिव पर शब्द पर लगेगा। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी परमात्मा। वेद उपनिषद सबका उपास्य कौन है? एक परमात्मा। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, देवी वाले कहेंगे हमारी देवी ने तो ब्रह्मा विष्णु शिव को पैदा किया। शिव को मानने वाले कहेगा कि नहीं हमारे शंकर जी बड़े हैं। विष्णु शब्द को किसी ने ले लिया, कहेगा कि नहीं हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं, शंकर जी को तो उन्होंने संरक्षण किया। ये लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि धर्म और सत्य का वास्तविक प्रकाश नहीं होने से। अब मैं एक बात कहता हूं कि गीता में जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है यस्माक्षरात इति तुम अक्षरात अपि च उत्तम वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तम, वेद और लोक में मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम कौन है? उसके पहले उन्होंने तीन पुरुषों की विवेचना कही है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष अक्षराती। अब सोचिए पुरुष का अर्थ क्या होता है? पुरुष का सामान्य अर्थ होता है जो सर्वत्र पूर्ण हो रहा हो उसको पुरुष कहते हैं। गीता प्रेस या अन्य सभी टीकाकारों ने क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष का अर्थ क्या किया है? कि जो हमारा शरीर है यह क्षर पुरुष है, जो इसके अंदर जो चैतन्य जीव है वो अक्षर है, क्योंकि शरीर के मरने के बाद भी नष्ट नहीं होता है, और जो इसका स्वामी है आदि नारायण वो क्या है? उत्तम पुरुष अक्षरातीत है और वही सच्चिदानंद है। अब इसकी समीक्षा क्या हो सकता है? क्योंकि इस पर ही निर्भर करेगा कि परमात्मा कौन है और वास्तव में परमात्मा कहाँ है, इस जगत में है या इसके परे है। देखिए अभी तो मेरे पास केवल 20 मिनट है, और जिस प्रश्न का समाधान 1,96,00,000 वर्षों में स्पष्ट रूप से नहीं हो पाया, 20 मिनटों में तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं बहुत सरल शब्दों में करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यदि मैं कहूं कि क्षर पुरुष पौराणिक मान्यता के अनुसार पाताल से लेकर वैकुंठ निराकार तक है तो किसी को विश्वास नहीं होगा। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है ये क्या है? क्षर है, और इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप आपका ये शरीर है।
ब्रह्मांड में जो कुछ है सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में है, इसलिए शरीर को ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप माना जाता है। जहां तक सृष्टि की सीमा है, जहां तक पंचभूत है, मन बुद्धि अहंकार का आवरण है, वहां तक प्रकृति है, और जहां तक प्रकृति है वहां तक ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी कहा, क्या कहा गया, छर पुरुष है। छर पुरुष को कहा गया है कि इस छर पुरुष का स्वरूप नश्वर हो, नष्ट होता रहता है, हर वस्तु नश्वर है। हमारा जो जीव है एक प्रकार से अपने शुद्ध स्वरूप में जब स्थित होगा तो इसको भी कुटस्थ कहा जा सकता है, लेकिन ये कुटस्थ इसलिए नहीं है क्योंकि अंतःकरण के माध्यम से ये सुख और दुख का, विषय भोग का, विषयों का सेवन करता है, इसलिए इसको कुटस्थ नहीं कर सकते। हाँ, जब ये सबसे परे हो जाएगा, सत्व रज तम से परे हो जाएगा, शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो इसको, इस जीव की संज्ञा आत्मा हो जाएगी और इसको तब कुटस्थ कहा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि जो छर में रमण कर रहा है तो उसको भी कैसे पुरुष कह देंगे। अब देखिए, दूसरा है कुटस्थ, क्या है कुटस्थो अक्षर उच्चते। गीता में कहते हैं छर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्चते, जो कुटस्थ है वो अक्षर कहा जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या परमात्मा तीन है, छर भी है, अक्षर भी है और उत्तम पुरुष भी है। पहले तो जिसको संसार परमात्मा समझता है उस पर विवेचना आवश्यक है। देखिए, आपके मन में संशय होता होगा कि सृष्टि में अज्ञानता क्यों है, दुख क्यों है, क्रूरता क्यों है, घृणा क्यों है, परमात्मा ने इसकी रचना क्यों कर दी। जो परमात्मा सर्वज्ञ है उसने अज्ञान की उत्पत्ति क्यों कर दी। जो परमात्मा निर्विकार है उसने वासनाओं का ज्वालामुखी क्यों पैदा कर दिया। जो परमात्मा आनंद का स्वरूप है उसने दुख ही दुख क्यों पैदा कर दिया। जो परमात्मा प्रेम का स्वरूप है उसने घृणा और राग द्वेष की दहकती हुई ज्वाला क्यों पैदा कर दी। ऐसा इसलिए परमात्मा ये नहीं किया है, ये सृष्टि का विधान है। अंधकार से ही प्रकाश का अस्तित्व है, कुरूपता से ही सौंदर्य का अस्तित्व है, घृणा से ही प्रेम का अस्तित्व है। इससे इस सृष्टि में जो पैदा हुई है समता और विषमता दोनों का अस्तित्व होना आवश्यक है। इससे ज्ञान और अज्ञान, सुख और दुख और जन्म और मरण ये हमेशा बने हैं, बने रहेंगे, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं। जब इस सृष्टि में तमोगुण है तो विनाश अवश्य होगा, रजोगुण है तो क्रिया होगी, सत्वगुण है तो ज्ञान का प्रकाश अवश्य होगा, भक्ति अवश्य होगी। इसलिए तीनों गुणों की विषमता से ही सृष्टि का प्रकटन होता है, और यही कारण है कि इस तीनों गुणों का अस्तित्व जहां रहेगा, सुख दुख ज्ञान अज्ञान जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, इसको कोई भी हटा नहीं सकता। और किस जिस ब्रह्म सत्ता के द्वारा इसका संचालन होता है उसको क्षर पुरुष कहेंगे। अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष जैसे आकाश में सूर्य चमक रहा है, उस सूर्य पर धूल आप नहीं फेंक सकते, धूल फेंकेंगे तो आकाश में धूल नहीं जाएगी, आप कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ तो यहीं रह जाएगा। वो वहाँ सूर्य पृथ्वी से 14.98 लाख किलोमीटर दूर है, इस पृथ्वी का कोई भी विकार वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। पृथ्वी पर कितनी भी बर्फ आएगी तो सूर्य को ठंडा नहीं कर सकती। तो समझिए, वह सूर्य जैसे कुटस्थ है वैसे अविनाशी ब्रह्म जिसको कहते हैं, जन्म से मरण से सुख और दुख से मृत्यु से सर्वथा परे है, प्राणियों के सुख दुख से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वो कुटस्थ है, निर्विकार है, निद्रा से परे है, अज्ञानता से परे है, मोह से परे है, राग से परे है, द्वेष से परे है, इससे तो उसको निष्काम कहते हैं। वो आपसे नहीं कहता कि मुझे मिठाई चढ़ाओ, वो आपसे नहीं कहता कि मुझे सोने का मंदिर बना दो जिसमें मेरा सोने का सिंहासन लगा दो, कलश सोने के चढ़ा दो, वो आपसे क्यों मांगेगा। वह उसकी तो एक इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और लय प्राप्त होते हैं। ये तो मनुष्य है जो प्रतिद्वंदिता ले बैठा है कि परमात्मा तुमने मुझे पैदा किया तो देखो मैं तुमको पैदा करके दिखाऊंगा, मैं भी तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा, तुम्हारे अंदर प्राण मैं फूकूंगा, तुम मुझे क्या खिलाओगे मैं ही भोग दूंगा, तुम खाओगे,
तो मुझे क्या कैद करोगे, मैं तो ताला बंद कर दूंगा, तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। ये मनुष्य उपहास करता है क्योंकि उसको ब्रह्म के स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं होता। गीता से में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जो क्षर है अक्षर है उससे भी परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारता, जो लोक त्रयम अविश्य विवर्त ईश्वर, जो लोक त्रयम अविश्य तीनों लोकों में जो व्याप्त है, सत्ता से व्याप्त है, क्षर में भी है अक्षर में भी है और अपने निष्ठाम में भी है। क्षर क्या है, समस्त प्रकृति जहां तक है जिसमें ब्रह्म की सत्ता कार्य कर रही वो क्या कहलाएगा, क्षर। प्रकृति में जिसकी सत्ता कार्य उसी को वेदांत की भाषा में सबल ब्रह्म कहते हैं, प्रणव कहते हैं, ओंकार कहते हैं, पौराणिक भाषा में उसको, पौराणिक मान्यताओं में उसको क्या कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं, आदिनारायण कहते हैं। जो कुटस्थ अविनाशी है, जिसके लिए उपनिषदों में कहा गया है कि अक्षरात संभवती ही विश्वम, मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया है कि अक्षर से वो ब्रह्म पैदा होता है। और आगे वही उपनिषद कहती है कि अप्राणो अमनो सुब्रो ही अक्षरात परता परा, अक्षर से भी परे वो परमात्मा है। प्रश्न यह है कि परमात्मा तीन तो हो नहीं सकते, पुरुष शब्द यदि परमात्मा के लिए प्रयोग होता है तो क्षर पुरुष भी क्यों हो गया, अक्षर पुरुष भी क्यों हो गया, उत्तम पुरुष भी क्यों हो गया, जिसको केवल उसी को ही अक्षरातीत कहलाने की शोभा है जो अक्षर से परे है, केवल वही परमात्मा क्यों कहलाएगा। इस क्षर जगत में जिसकी सत्ता है उसको परमात्मा क्यों नहीं कहा जाएगा। मैं आपको एक दृष्टांत से बताता हूं। देखिए ये मंडूक उपनिषद में एक कथन है उपनिषद का कि प्रणव के चार पाद है। स्थूल जगत में ब्रह्म का जो स्वरूप कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं, विराट। सूक्ष्म जगत में जो ब्रह्म की सत्ता कार्य कर रही है उसको क्या कहते हैं, प्राज्ञ। और कारण जगत में जो सत्ता कार्य कर रही है उसको क्या कहते हैं, तेजस। लेकिन उपनिषद क्या कहता है कि विराट प्राज्ञ और तेजस भी ब्रह्म का स्वरूप नहीं है, उसके परे जो निर्विकार स्वरूप है, सीमम अद्वत्तम अखंडम एक रसम, जो कल्याणकारी स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, केवल वही ब्रह्म का स्वरूप है, जिसको किसी भी मात्रा से किसी भी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो प्रकृति से परे है। इसी को कबीर जी ने क्या कहा है कि जो 52 अक्षरों में होता है, 52 वर्णों में नहीं आता, वही सार शब्द है। सार शब्द जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। सार शब्द क्या है, जो 16 स्वर और 36 व्यंजनों में नहीं आता, जो कथन कहने और सुनने का विषय नहीं है, वही है सार शब्द। जो किसी शब्द से प्रयोग किया जाता है, आजकल मंत्रों के नाम पर लड़ाइयाँ चलती हैं कि हमारा मंत्र बड़ा, हमारा मंत्र ये बड़ा। परमात्मा को आप नाम के बंधन में नहीं रख सकते, इस प्रकृति के किसी रूप के बंधन में नहीं रह सकते, सभी बंधनों से सभी मान्यताओं से परे है, जो शब्दातीत है त्रिगुणातीत है, इस सृष्टि की कोई भी मान्यता कोई भी उपाध उसको बंधन में नहीं रख सकती है, और इसलिए उसको क्या कहा गया है, यो लोक त्रयम अविश्य विवर्तव्य ईश्वर, जो अविनाशी है अखंड स्वरूप वाला है, तीनों लोकों में अपनी सत्ता से व्याप्त है, क्षर जगत, चतुष्पाद विभूति और परमधाम, ये तीनों लोक हैं। आप सोचिए कि प्रकृति से परे जो उसका चेतन लोक है उसके लिए वेद में संकेतों में कहा गया था। मैंने उपनिषद के अनुसार संक्षेप में दर्शाया कि जब प्रकृति मंडल में जो स्वरूप है उसको आप विराट कहते हैं, सूक्ष्म जगत में जो सत्ता है उसको प्राज्ञ कहते हैं, कारण जगत में जिसकी सत्ता कार्य कर रही है, ब्रह्म तो एक है उसके रूप अलग अलग है, उसी तरह से जो प्रेम और आनंद का स्वरूप है वह अक्षरातीत है, जो केवल सत्ता के रूप में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करता है, ब्रह्म एक है। मैं पहले ही कह रहा हूं क्योंकि वेद ने क्या कहा, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो अपुच्यते, दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, एक एक प्रत्येक परमात्मा एक है, उसके समान न कोई था न है न कभी होगा। इसलिए वेद सस्वर कहते हैं कि यह जहां तक प्रकृति है
सभूमि में सर्वता स्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम, इस ब्रह्मांड से भी परे है परमात्मा। ये आप देखते हैं ना क्या कहा जाता है कि उस परमात्मा के अनंत सिर हैं, सहस्त्र बाहु पुरुष, सहस्त्र रक्षा, सहस्त्र पाद। आप कहीं भी जाएंगे, आप काशी जाएं, अयोध्या जाएं या किसी भी तीर्थ स्थान में जाएं, तो कोई भी पंडा पुजारी इसी से आपको पूजन करेगा। पहले मंत्र पढ़ेगा, बेचारा उसको भी नहीं पता कि जो मंत्र पढ़ रहे उसका अर्थ क्या है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र रक्षा, सहस्त्र पाद, सभूमि में सर्वतम स्पृत्वा तिष्ठ दशांगुलम। अनंत नेत्रों वाला, अनंत पैरों वाला, अनंत हाथों वाला वो परमात्मा है। ये किसकी बात कही जा रही है? क्षर पुरुष की बात कही जा रही है। इस समस्त सृष्टि में कोई कहीं भी कार्य कर रहा है उसको परमात्मा की शक्ति देख रही है। हर जगह उसकी सत्ता कार्य कर रही है, अणु में, परमाणु में, समस्त आकाश में, समस्त ब्रह्मांडों में उसकी सत्ता है। कोई कहे कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड अधिकिन रहने पावे। यह सृष्टि आधे क्षण के लिए भी नहीं रहेगी यदि इस सृष्टि में परमात्मा की सत्ता नहीं है तो। लेकिन परमात्मा का स्वरूप नहीं है, सत्ता और स्वरूप दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे अभी दिन हुआ था, दिन के समय सूर्य उगा हुआ था, लेकिन सूर्य क्या पृथ्वी के अंदर व्यापक था? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आया था, न कि सूर्य पृथ्वी में व्यापक था। मान लीजिए अभी तो रात होने वाली, रात हो गई होगी, बाहर रात अंधेरा होगा, क्या रात के कणकण में सूर्य व्यापक है? आप मान सकते हैं? यदि रात के कणकण में सूर्य व्यापक नहीं है तो सृष्टि के कणकण में परमात्मा कैसे व्यापक है? हाँ, सृष्टि के कणकण में, इस मायावी जगत के कणकण में परमात्मा की सत्ता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, वैसे इस प्रकृति के अणु परमाणु में उस परमात्मा की सत्ता अखंड रूप से व्यापक है। उसमें किसी भी अन्य का योग नहीं है, वह अपनी अनंत सत्ता से अनंत सृष्टि का संचालन करता है। लेकिन सूर्य में अंधेरा नहीं है, सूर्य शाश्वत प्रकाश स्वरूप है। उसी तरह से ब्रह्म के स्वरूप में अज्ञानता नहीं है, ब्रह्म के स्वरूप में दुख नहीं है। जैसे लोहे को आग में तपाएंगे तो लोहा क्या होगा? आग में तपकर अग्नि के समान ही हो जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। उसी तरह से जो परमात्मा का धाम है, परमात्मा का स्वरूप है, वहाँ द्वैत प्रकृति का कोई बंधन नहीं हो सकता। वहाँ जन्म नहीं, मरण नहीं, दुख नहीं और मायावी सुख भी नहीं है। वहाँ अखंड एक रस है। इसलिए तो कहा गया है सर्वम खलिदम ब्रह्म। सर्वम खलिदम ब्रह्म का तात्पर्य क्या है? जहाँ केवल ब्रह्म ही ब्रह्म हो। वेद ने क्या कहा? आदित्य वर्ण तमसा परस्त, तमस से परे है। हम तमस के कणकण में परमात्मा को खोज रहे हैं। शिष्ट क्या है? माया का अंधकार। अभी मैंने आपको बताया था महाभारत में कहा गया है ये जगत कहाँ से पैदा हुआ है? मोह से। मोह किसको कहते हैं? अज्ञान को, अविद्या को। जगत महात्मकम प्राहो अव्यक्ता व्यक्त संजकम। अव्यक्त कारण प्रकृति से ये जगत ब्रह्म की शक्ति द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिए इस जगत के कणकण में परमात्मा का मात्र, परमात्मा की मात्र सत्ता है। और इससे परे जो चतुष्पाद विभूति है उसको वेद ने क्या कहा? त्रिविपद मिध्याम आरत। ये जो ब्रह्म के चारों पाद हैं, इसमें परमात्मा अपनी अखंड प्रकृति से लीला कर रहा है, उसको योगमय ब्रह्मांड कहते हैं। चतुष्पाद विभूति वेद की भाषा में कहा गया है। वेद आगे क्या कहते हैं? त्रिपाद ऊर्ध उदयित पुरुषा, परमात्मा इससे परे है, त्रिपाद अमृत से भी परे है। इसलिए पुरुष सूक्त में ये मंत्र तो आए हैं, जरूर हिंदू समाज इनको पढ़ता है, सोचने समझने का प्रयास करता है, लेकिन यथार्थ तत्व न जानने के कारण शिष्ट के कणकण में सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी सकल गुण निधान अनंत प्रेम और आनंद से भरपूर उस परमात्मा को मानता है। उसकी सत्ता से रहित कुछ भी नहीं। आप लोहे की सात दीवारों के अंदर भी कोई पाप करेंगे तो परमात्मा से छिप नहीं सकता, वो जानता है, सब कुछ जानता है। ऐसा न समझे कि परमात्मा किसी मंदिर के अंदर बंधा हुआ है। परमात्मा ने तो अपना मंदिर हर प्राणी के अंदर बना रखा है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठत अर्जुन। परमात्मा कहाँ है? सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में। हृदय में जो परमात्मा है
परमात्मा क्यों हृदय मंदिर में है इसको मैं बताता हूँ। आप तो कहेंगे कि जब प्रकृति में मानते नहीं तो हृदय में क्यों कहा गया है। जैसे मेरी आंख पर पट्टी बांध दी जाए तो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, मेरा पैर नहीं देख सकता, मेरा हाथ नहीं देख सकता। तो मेरे सामने कोई आ जाए और बिना पैरों की आहट के, तो मुझे क्या पता कि मेरे सामने कौन है। मेरे पैरों को इसकी अनुभूति नहीं हो सकती, मेरे हाथों को, मेरे मुख को, किसी भी अंग में उसका अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं है। आंखें देख सकती हैं, इसलिए हृदय में जो चेतना है जब अपने स्वरूप में स्थित होगी तो परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकती है। इसी भाव को दर्शाने के लिए कहा गया है कि हृदय में जो आत्मा है, आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से परमात्मा है। ऐसा ना समझिए कि जड़ प्रकृति के अंदर परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। परमात्मा का स्वरूप प्रकृति से परे है, जिसको वेद में क्या कहा, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। सामवेद के एक मंत्र में बहुत ही सरल तरीके से इस सत्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हे परमात्मा, जो तेरा स्वरूप है वो दिन के समान प्रकाशमयी है। सुक्रम ते अनयत यजतम आन द्यो इवस। हे परमात्मा, तेरा स्वरूप दिन के समान प्रकाशमान है और जगत का स्वरूप रात्रि के समान अंधकारमयी है। प्रकृति का यह जगत रात्रि के समान अंधकारमयी है। जैसे रात्रि के कणकण में सूर्य व्यापक नहीं होता, बल्कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो अज्ञानता का अंतरी मिट जाती है, प्रकाश हो जाता है। उसी तरह से परमात्मा की सत्ता से इस सृष्टि का संचालन हो रहा है। और जो परमात्मा का स्वरूप है, जिसको मांड्य उपनिषद में कहा है कि विराट प्राज्य और तेजस से भी परे, अ उमा को विराट प्राज्य और तेजस कहते हैं। नीचे जो हलंत है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं, कोई उच्चारण नहीं, उसी को कहते हैं कि वो तो त्रिगुणातीत है, ब्रह्म का वही स्वरूप है। वही समझाने के लिए यह माना गया है। समाज सत्य को नहीं जानता, इससे भिन्न भिन्न मत मतांतरों में पढ़कर आपस में लड़ता रहता है। आदि शंकराचार्य बनारस के गलियों में घूम रहे थे। एक समय था जब उनके ज्ञान का डंका बज रहा था। उनके सामने एक चंडाल आता है कुत्तों के साथ। शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल हट, दिखाई नहीं देता, मैं स्नान करके आ रहा हूं। चंडाल कहते हैं कि आचार्य, ब्रह्म के सामने से ब्रह्म क्यों हटे। शंकराचार्य चकरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दो नहीं। वो चंडाल पूछता है कि शंकराचार्य, आप ब्राह्मण के तन में आपका चैतन्य है तो आप ब्रह्म हो गए। मेरे अंदर का चैतन्य चंडाल का तन धारण किया है तो मेरे से घृणा क्यों। आप ब्रह्म को ब्रह्म के सामने से क्यों हटाना चाह रहे हैं। शंकराचार्य और लज्जित हो जाते हैं। चंडाल पुनः पूछता है कि आचार्य बताइए, सूर्य का प्रकाश गंगा जल में पड़ता है तो पवित्र होता है। सूर्य का प्रकाश ही गंदे कीचड़ पर पड़ता है तो क्या सूर्य के प्रकाश में विकार आ जाता है। सूर्य में यदि विकार नहीं आता, विकार तो कीचड़ में है, कीचड़ का विकार सूर्य में नहीं पहुंचता, तो जो चैतन्य है, जिसको आप कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म न एव अपरा, चाहे वह ब्राह्मण के शरीर में रहे या चंडाल के शरीर में रहे, क्या अंतर पड़ता है। शंकराचार्य की आंखें खुल गई, उन्होंने उस चंडाल के चरण पकड़ लिए कि आपने मुझे सत्य ज्ञान का बोध कराया है। यह वो देश है जिसमें सत्य की पूजा होती रही है, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज का हिंदू समाज अपनी संकुचित मानसिकता के कारण अलग अलग संप्रदायों की परिधि में टकराहट की अग्नि में चल रहा है। सत्य का प्रकाश हो, इसके लिए सबको इसमें तल्लीन होना होगा, क्योंकि ज्ञान की ज्योति फैलती है तभी संसार में सत्य का प्रकाश होता है। इसके लिए आवश्यकता यह है कि जगह जगह ज्ञान का प्रकाश हो। मंदिरों में जो धनराशि खर्च होती है, हम मंदिरों को जागृति का केंद्र बनाएं, उसमें ज्ञान चर्चा करें, पुस्तकालय हो मंदिरों में और ध्यान कक्ष हो। यदि केवल चढ़ावा ही चढ़ता रहेगा तो हिंदू समाज तो ऐसे ही लड़ता रहेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। प्राणनाथ जी की वाणी।
उस सत्य को उजागर करती है कि पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर काम है, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको इस शास्त्र बुलावे। सच्चिदानंद परमात्मा एक है और संसार के लोग परमात्मा के नाम पर लड़ रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी एक बात और कहती है कि तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखिए, तब तो शास्त्र पुराण सब भन्या, सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जान्या। यदि सारी सृष्टि के कणकड़ में परमात्मा है तो नरक में भी परमात्मा होना चाहिए। हर कोई बैकुंठ जाने की इच्छा क्यों करता है? इसलिए हमें यह जानना होगा कि जो परमात्मा का स्वरूप है वहां सूर्य नहीं चमकता। उपनिषदों ने क्या कहा है? न तत्र सूर्योभात न चंद्र तारकम, न वहां सूर्य चमकता है, न चंद्रमा, न विद्युत, न अग्नि। तमेव भान्तम अनुभात सर्वम, उस परमात्मा के प्रकाश से सब कुछ वहां प्रकाशित होता है। इसलिए आवश्यकता है हम एक सच्चिदानंद परमात्मा की खोज में लगे। वो कैसा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? सांप्रदायिक संकीर्णता हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देगी। जैसे भौरा अनेक फूलों का पराग चूसता है, उसी तरह से हमारा भी कर्तव्य है। एक सत्य को हमें मानना चाहिए, सबको उसके लिए प्रस्तुत करना चाहिए और निष्पक्ष हृदय से जानने का प्रयास करना चाहिए कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। श्री प्राणनाथ जी की तारतम्यवाणी के प्रकाश में इस शाश्वत सत्य को सरलता से जाना जा सकता है और हमें उस चौराहे पर खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है जहाँ एक तरफ वेदों के शाश्वत सत्य सिद्धांत का दर्शन होता है, दर्शनों के मूल सिद्धांत का दर्शन होता है, उपनिषदों की वाणी को सत्य जाना जाता है, संतों की वाणी के रहस्य को जाना कर एक सत्य का प्रकाश होता है। समस्त संप्रदायों को, समस्त मत पंथों को जो अलग अलग पगडंडियों में चलकर आपस में संघर्षरत हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहा है, अपनी छोटी झूठी मान्यता को सत्य सिद्ध कर रहा है, दूसरे के सत्य को भी मानने से नकारता है। जब तक इस मानसिकता का पतन नहीं होगा तब तक सत्य का प्रकाश नहीं फैलेगा। मैं यहाँ भुज की धर्म प्रेमी जनता से यही आग्रह करता हूँ कि यहाँ तो ज्ञान की धारा बनी चाहिए, सबके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल यहाँ ही नहीं, पूरे देश में ज्ञान की अखंड धारा बहे और सभी सत्य को जाने, सत्य को माने, सत्य को प्राप्त करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। मैं यही शुभकामना करता हूँ।